गुड मॉर्निंग क्लास 8th ए. इन 8th ए यस्टरडे आई टॉट द पोयम. द नेम ऑफ द पोयम द ज्योग्राफी लेसन. बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोयम. देन आफ्टर आई विल सेंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इन योर क्लास. बच्चों, मैंने कल आपको ज्योग्राफी लेसन पढ़ाया, उसके पश्चात आज हम उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और उसके बाद हम आपको सेंट्रल आइडिया की पिक सेंड कर देंगे. सभी बच्चे सही सही लिख लेंगे. ओके क्लास, लिखिए फाइंड आउट. बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम डाल रहे हैं, क्वेश्चन हम अपने आप लिखेंगे अपनी बुक से. क्वेश्चन नंबर हम डाल रहे हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 or 4 फ्रेजेस. बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन आंसर दिखाने जा रहे हैं, ये आप देखिए, आपकी मीनिंग के नीचे वर्किंग विद द पोयम लिखा हुआ है. वर्किंग विद द पोयम के बाद ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 or 4 फ्रेजेज इन स्टैंजास 1 and 2 विच आर लाइकली टू ऑकर इन अ ज्योग्राफी लेसन. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखाने जा रहे हैं और सभी बच्चे क्वेश्चन सही उतारिएगा. बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका. उसके बाद इसके लिए 3 पॉइंट दिए गए. आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स. आप बताइए कि एरोप्लेन की जो खिड़की से आप बाहर का सीन देखते हैं तो आपको शहर कैसा लगता है. इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एज ए हैजार्ड, एज ऑन द ग्राउंड, एज नीट एज मैप, एज द डेवलप एज नेसेसरी. इसमें आपका 3rd वाला आंसर सही है. तो आइए बच्चों, आंसर नंबर 2 में आपका दिखे, इसमें 3rd वाला सही है. आंसर दिए आंसर नंबर. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 था, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स. सिटी अपीयर्स एज डेवलप्ड एज नेसेसरी.
हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। इनमें से कौन, 5 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कौन आपके लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के स्टेटमेंट हैं। तो आपका पहला वाला है, थर्ड है और फोर्थ है। पहला वाला है ज्योग्राफी के उससे रिलेटेड है, वे शहर जिनमें नदियाँ बहती हैं। ये भी इजी है कि वैलीज जो है वो क्यों पॉपुलेटेड हैं, क्यों जनसंख्या से भरी हैं, और इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट एट किलवलनगर। और ये भी समझना बहुत कठिन है कि क्यों मनुष्य जो है वो एक दूसरे से घृणा करता है। आगे आइए, मेंशन टू थिंग्स दैट आर, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, दैट आर मेंशन टू थिंग्स दैट क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट।